भागो अपने अपने प्राण बचाके। तो यार भाइयों, हमारे इस नए स्टूडियो में हमें आए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और हमारे साथ में काफी ज्यादा खतरनाक एक्टिविटी हो रही है। तो यार भाइयों, हम जब भी नए स्टूडियो के अंदर काम करते हैं तो हमारा रात में काम अधिकतर होता है, जैसे कि 1-2 बजे तक हम यहाँ पर एडिटिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं। तो उसके अंदर दौरान हमें ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से कोई हमें बुला रहा है, या फिर कोई ऊपर की साइड में डांस कर रहा है, या फिर कोई हरकत जो रहती है ना, आवाज आती रहती है। और जब ऊपर जाके हम देखते तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। और एक बार तो हमारे एडिटर के साथ में ऐसा हुआ कि जैसे ये एडिट कर रहा था और ऑटोमेटिक जो हमारी कुर्सी है पीछे की साइड में आ गई थी। और ये जो सारी रिकॉर्डिंग, हम यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसके अंदर रिकॉर्ड हो चुकी है। तो ये सारी एक्टिविटी जो थी, ये सारी हमारे कैमरामैन, एडिटर और हम सब के साथ में हो रही थी। तो ये सारे के सारे इतने ज़्यादा डर गए थे कि काम छोड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। और यहाँ पर जो है, काम छोड़ के अगर ये चले जाएंगे तो वीडियो नहीं बना पाएंगे हम। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि बाबा को बुलाया और वो देखने वाले हैं कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत तो नहीं है, कि ये जो हरकत है क्यों हो रही है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो है पूरा अनुष्ठान करने वाले हैं हमारे नए स्टूडियो के अंदर। तो यार भाई, हमारे तांत्रिक बाबा आ चुके हैं और यहाँ पर ये जो तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने पूरा सिस्टम बिठा रखा है और यहाँ पर जो है ये प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। आप देख सकते हो इनके पास एक तलवार भी है जिसके आगे साइड पे नींबू लगा रहे हैं और यहाँ पर पूरा मतलब सिस्टम जो है चालू करने वाले हैं यहाँ पर। अपने हाथ आगे लाओ। अब इन नींबू को अपने मुट्ठी में जकड़ लो और जब तक मैं ना बोलूं तब तक इस नींबू को छोड़ना नहीं। मैं उसका आह्वान करूंगा, अगर वो यहाँ पर होगी तो आ जाएगी और तुम्हें भयभीत करने की कोशिश करेगी। तुमको उठना नहीं है और ना ही अपनी आंखें खोलनी है। अगर यहाँ पर कोई बुरी आत्मा होगी तो तुम्हें एहसास होगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमारे आसपास कोई है। तो यार भाई, हमें जो है बाबा जी ने इस टाइप के नींबू दे दिए हाथ में और सभी के हाथ में नींबू दे रखे और बोल रखा कि यहाँ पर जब तक ये नहीं बोले, जब तक नहीं उठना है, और यहाँ पर अगर कोई बुरी आत्मा कुछ भी होगा तो यहाँ पर हमें एहसास होगा और ये जो काफी ज्यादा डरावना है। आप सभी को लग रहा होगा कि यार कोई बात नहीं, कमरे के अंदर बैठे, लेकिन यहाँ पर जो है हमारी फट के हाथ में आ चुकी है। अगर कोई भी उठा तो अपनी जान गवा दोगे। बाबा जी, कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, मैं बेटा हूं तब तक। अपने अपने हाथ जकड़ लो, सब एक दूसरे के हाथ जकड़ लो। ऊपर ले लो पंखा इनका। बाबा क्या हो रहा है? अभी तो बहुत कुछ होगा, ऊपर मत देखो और उठना मत, अपनी अपनी जगह से हिलना मत। ठीक है बाबा जी, डराने की कोशिश करेगी। ठीक है ठीक है, अपने हाथ जकड़ लो, अपने उठना मत। ठीक है बाबा, तुम में से कोई भी उठना मत और एक दूसरे को पकड़ के रखना, ताकि कोई उठे तो उसको जकड़ लेना तुम, और कोई उठ ना पाए क्योंकि वो तुम्हें उठाने की कोशिश करेगी।
उठाने की कोशिश करेगी देना इसके कुछ देखो ना क्या हो रहा है इसके ये हिल क्यों रहा है कुछ नहीं होएगा अगर तुम में से एक भी उठा तो तुम सब मरोगे बाबा इसके क्या हो रहा है देखो सुहा तुम में से किसी ने एक ने अपना हाथ छोड़ दिया है अब वो आत्मा मेरे वश से बाहर हो चुकी है भागो अपने अपने प्राण बचा के तो यार भाई ना ये जो वीडियो गलत बन चुका है और यहाँ पर जो तांत्रिक आया था वो भी भाग गया उसने सैने क्या काम करा और यहाँ पर है ना मतलब अजीब अजीब से और ज्यादा खतरनाक डरावनी चीजें हो चुकी है तो यहाँ पर वीडियो को हम बंद करेंगे क्योंकि आई हो